हेलो फ्रेंड्स, जब भी बाइनेंस के ऊपर कभी भी कोई प्रोजेक्ट आता है, चाहे वो लॉन्च बुल का हो चाहे लॉन्च पैड का हो, मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूं ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें जिसमें आपको फ्री में कॉइंस मिल रहे हैं। जी हां फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी बीएनबी पड़ा है या फिर आपके पास कोई भी स्टेबल कॉइन पड़ा है तो उस स्टेबल कॉइन को, उस बीएनबी को आप यूज़ करें, यानी कि उसको स्टे कर दें। यहाँ पे फार्मिंग होगी, फार्मिंग करके आपको यहाँ पे फ्री में कॉइंस मिलने वाले हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, इसके बाद आया था NFP, आया था फिर AI, XAI, इन सभी में हमने अच्छी खासी अर्निंग करी है। 150-300 कॉइन्स ऐसे बनाए हैं, काफ़ी सारे कॉइन्स हमने इसमें बनाए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अभी जो नया प्रोजेक्ट आया है वो मानता है, और आपको मैंने पिछली बार ये भी बताया था कि अभी क्या है कि लॉन्च पूल के ऊपर प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं वो सिर्फ कुछ ही दिनों के आ रहे हैं। NFP भी 7 दिन का आया था, ACE भी 5 दिन का आया था, XAI और इसके बाद XAI आया था, और AI ये भी बहुत छोटे छोटे कुछ ही टाइम के आए थे। AI आया था 7 दिन का, फिर XAI आया 4 दिन का। लेकिन जो मानता अभी आया है, जिसको मानता बोल सकते हैं, मैंटा बोल सकते हैं, ये 2 ही दिन का आया है, और अभी बहुत कम समय बचा है, सिर्फ 15 घंटे बाकी हैं। तो मेरा मानना है कि चाहे 15 घंटे बाकी हैं, इसमें जितना ज़्यादा हो सकता है बनाओ, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैंने स्टे ही किया था तो मेरा एक कॉइन ऑलरेडी बन चुका है। तो ऐसे ही आपके जो कॉइन्स हैं वो बहुत ही फास्टली बनने वाले हैं, क्योंकि जितना छोटा लॉन्च पूल का टाइम होगा उतनी ही फास्टली आपकी यहाँ पर अर्निंग होने वाली है। तो ये वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ इस लॉन्च पूल के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, और आप इसमें इन्वेस्ट या स्टे कैसे कर सकते हैं, फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, और वो भी बाइनेंस के ऊपर, क्योंकि ये रियल फार्मिंग होती है, रियल फार्मिंग के द्वारा आपको यहाँ पे अर्निंग मिलती है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, वॉरफिट ऑफिशियल के नाम से, जहाँ पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और आप यहाँ पे हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं वॉरफिट डिस्कस के नाम से, वॉरफिट ऑफिशियल हमारा चैनल है, वॉरफिट डिस्कस हमारा ग्रुप है, तो दोनों को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आपको मैं खुद पर्सनली भी जवाब दूंगा, और हमारी टीम भी यहाँ पे है, हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो भी आपको जवाब दे सकते हैं किसी भी आपके सवाल का। तो हम वापस आते हैं वीडियो के ऊपर। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे लॉन्च पूल के ऊपर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन एक्सेस कैसे करना है। आप अगर बाइनेंस खोलते हो, बाइनेंस खोलते ही आपने अपने यहाँ पे ढूंढना है, लॉन्च पूल सर्च कर लेना, ऊपर ही सर्च कर लेना, जहाँ पे आप कॉइन सर्च करते हो वहीं पे लॉन्च पूल लिखोगे तो आपको यहाँ पे लॉन्च पूल दिख जाएगा या लॉन्च पैड दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको बाकी प्रोजेक्ट्स नहीं बल्कि ये जो लेटेस्ट होगा यही प्रोजेक्ट दिखने वाला है, जो कि मानता के नाम से है। और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है, प्रोजेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हो, फॉर्मिंग कैसे करनी है नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे कुछ तो बता ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी डाउट हो तो हमारे ग्रुप में आकर पूछो। तो इसके ऊपर आपने सर्च करना है तो ये आ जाएगा यहाँ पे FDSD पूल और BNB पूल, दो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, यानी कि आप यहाँ पे स्टे करते हैं FDSD पूल, जो कि एक स्टेबल कॉइन है, अपने स्टेबल कॉइन्स के यहाँ पे स्टे करते हो तो आपको यहाँ पे अर्निंग मिलती है मैंटा कॉइन में, BNB में स्टे करते हो तो यहाँ पे भी आपको अर्निंग मिलती है मैंटा कॉइन में। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ऑलरेडी स्टेकिंग हो चुकी है, और ये सिर्फ 2 दिन का है, हम लेट तो हो चुके हैं, लेकिन शायद इस समय के दौरान अगर हम कुछ ना कुछ स्टेक करते हैं तो कुछ ज़रूर मिल जाएगा, जिसको हम हाई प्राइस पे सेल भी कर पाएंगे। लास्ट टाइम जो AI कॉइन आया था, XAI कॉइन आया था, तो उनको भी मैंने सेल किया, अच्छा प्रॉफिट आया, मैंने आपको के साथ सब कुछ डिटेल भी शेयर करी थी कि क्या क्या उससे प्रॉफिट मिला है। लेकिन उससे पहले हम प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हैं, इनकी वेबसाइट खोल लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ मैंटा नेटवर्क, यानी कि स्टे करने से पहले थोड़ा ये भी जान ले कि क्या ये सच में वर्थ है या नहीं। तो ये इन्होंने बताया कि एक तो इनका एयरड्रॉप चल रहा है, चेक योर एलिजिबिलिटी नाउ, ऑलरेडी एक एयरड्रॉप भी चल रहे हैं, कुछ और भी बहुत कुछ चल रहा है इनके प्रोजेक्ट का, लेकिन बाइनेंस के ऊपर आना ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। और उससे भी बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर ये कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्टेड नहीं है, यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है, और इसका डायरेक्टली जो ICO है वो बाइनेंस के ऊपर हो रहा है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग होती है, क्योंकि आप देख सकते हो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर सर्च करोगे मैंटा आ जाएगा, मैंटा नेटवर्क सर्च करोगे कुछ भी नहीं दिखने वाला, सिर्फ ICO दिखेगा कि ICO ऑन गोइंग है, जो कि बाइनेंस के ऊपर चल रहे हैं। और यहाँ पे टोकन जो सेल्स के लिए अवेलेबल हैं 30 मिलियन मैंटा टोकन्स हैं, और ये सिर्फ 3% है टोटल सप्लाई का, जो कि हम सभी में बांटा जाएगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट जो बाइनेंस के ऊपर आते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी हाइप भी होती है, लिस्ट भी वहीं पे होते हैं, उससे पहले हमें फ्री में कॉइन्स भी मिल जाते हैं, जब कॉइन्स मिल जाते हैं तो उनको हम हाई प्राइस पे सेल इजीली कर पाते हैं, क्योंकि जैसी लिस्टिंग होती है प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो जाता है, तो हम इनको सेल भी कर पाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लोर ZK विद द मॉड्यूलर ब्लॉकचेन ऑन इथेरियम, तो ये एक तरीके की ZK EVM ब्लॉकचेन है, यहाँ पे Polkadot को भी यूज़ किया जा रहा है, पॉलीगॉन के ZK EVM को भी यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है, तो स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, गैस भी बहुत कम है, इन्होंने अपना इकोसिस्टम बहुत तेज़ी से अभी बढ़ा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, टोटल वैल्यू लॉक्ड ऑलमोस्ट $1 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है, जो कि $972 मिलियन के आसपास है, ट्रांजैक्शंस ऑन चेन 11.68 मिलियन प्लस है, इकोसिस्टम प्रोजेक्ट के ऊपर 197 ऑलमोस्ट 200 प्रोजेक्ट्स हैं,
तो वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड प्रोजेक्ट्स में से एक है जो कि बाइनेंस के ऊपर आया। तो पहले भी प्रोजेक्ट्स आए हैं लेकिन उनमें मुझे इतना दम नहीं लगा जितना इसमें लग रहा है। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट मुझे आज तक लगा है जो कि बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर आते हैं। और यहाँ पे आप इनकी टीम भी देख सकते हैं, तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है इन्होंने रखा है और जो डेटा है वो तो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग है। तो यहाँ पे पावर्ड बाय सेलिस्टिया है, पॉलीगॉन है, ओपी स्टैक है, पोलकाडॉट है। तो जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंटीग्रेट हो जाते हैं तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी आती हैं और हमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी कि कॉइन्स को मिलते हैं या इस प्राइस से सेल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ध्यान रखना, अगर आपका इतना प्रॉफिट नहीं बन रहा है, ऐसे कॉइन्स को हमेशा अगर आपको मिल रहे हैं होल्ड करके ज़रूर रखें। लो प्राइस पे आज आपको मिल रहे हैं, आज नहीं तो कल आप इसको हाई प्राइस पे सेल कर ही पाओगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दो पूल्स मिल रहे हैं, आपको पहले बताया था कि FDST का और BNB का। आपने कुछ नहीं करना, डायरेक्टली यहाँ पे स्टेक के ऊपर क्लिक करना है। स्टेक के ऊपर क्लिक करते आपको दिख जाएगा कि आपके पास कितने FDST या BNB पड़े हैं। जितने पड़े चाहे उतने स्टेक कर दो, चाहे आपकी मर्जी, आप उनमें से कुछ अपनी मर्जी के अनुसार स्टेक कर सकते हैं। और स्टेक करते ही आपकी क्या है कि अर्निंग बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसको कभी भी अनस्टेक भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे स्टेक कर दिया तो आप यहाँ पे फंस गए या आपको अपना पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो आप उसको अनस्टेक कभी भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे रिडीम का ऑप्शन है, रिडीम के ऊपर क्लिक करो, आपके सारे के सारे कॉइन्स जितने भी स्टेक हैं चाहे सारे के सारे अपने स्पॉट वॉलेट में ले सकते हैं, या फिर आप उनके कुछ फ्रैक्शंस में यानी कि थोड़ा अमाउंट भी आप स्पॉट वॉलेट में ले सकते हैं जितना आपको चाहिए। लेकिन ये सिर्फ 15 घंटे का समय है, तो मेरा मानना तो ये है जितने भी स्टेबल कॉइन्स पड़े हैं उनको आप FDST में कन्वर्ट करो और यहाँ पे स्टे कर दो। BNB पूल में अपने सारे BNBs को स्टे कर दो, कहीं और एक्सचेंज के ऊपर पड़े हैं तो उनको भी यहाँ पे ले आओ और स्टे करके यहाँ पे अर्निंग करो मैंटा कॉइन में। तो ऐसा बार बार मौका नहीं आता है जहाँ पे फ्री में कॉइन्स मिल रहे होते हैं, वो भी सिर्फ अपने जो कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमारे पास जो कॉइन्स पड़े हैं उनको स्टे करना है, फार्मिंग करनी है, फार्मिंग करते ही आपको यहाँ पे मिल जाता है। सिर्फ 2 दिन का समय था, उसमें से भी 15 घंटे बाकी हैं। तो स्टेक एंड रिडीम का आपको मैंने बता दिया, तो इसमें आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। एंड हाँ, उसके बाद जो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, अब मैंटा कॉइन में जो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे आप इनको कभी भी क्लेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो आप इनको क्लेम करते रहो, जैसे ही बनते रहेंगे आप इनको अपने स्पॉट वॉलेट में डालते जाओ, वरना दूसरा ये होगा कि अगर आप क्लेम नहीं भी करते हैं तो लास्ट जैसी फार्मिंग खत्म होगी आपके जो स्टेक्ड अमाउंट है वो तो स्पॉट वॉलेट में जाएगा ही जाएगा, ये भी जितने भी रिवॉर्ड्स बनते हैं टोटल रिवॉर्ड आपका चला जाएगा स्पॉट वॉलेट में। तो अगर स्पॉट वॉलेट में रहेगा तो आप कभी भी जैसे लिस्टिंग होती है लिस्टिंग के टाइम पे आप इसको जल्दी से ट्रेड कर सकते हैं या फिर इसको हाई प्राइस पे सेल कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको अगर अच्छे प्राइस में मिलता है तो आप और भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो आपको फ्री में कॉइन्स मिल ही चुके हैं, उसके बाद आप उसको लो प्राइस में मिलने की वजह से आप और भी ज़्यादा बाय कर सकते हैं ताकि आपके पास अच्छी खासी क्वांटिटी हो और उसको आप हाई प्राइस पे सेल कर सकते हैं। तो आपका अमाउंट कहीं भी लॉक नहीं होने वाला, जो है वापस स्पॉट वॉलेट में आएगा ही आएगा, चाहे आप उसको रिडीम करो या ना करो, चाहे रिवॉर्ड्स को क्लेम करो ना करो, वो आपको मिल ही जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि प्रोजेक्ट का जो टाइम है धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, ये बाइनेंस ने शायद इसलिए किया है क्योंकि पहले क्या था कि एक एक महीना एक एक प्रोजेक्ट चलता था, अब क्या है कि एक महीने के अंदर ही 4-5 प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, तो हर एक प्रोजेक्ट को वक्त भी मिलता है और हमें भी अर्निंग ज़्यादा मिलती है, तेज़ी से मिलती है। तो इसका फायदा जरूर उठाएं। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। धन्यवाद।